खंडवा जिला चिकित्सालय की अव्यवस्था और खंडवा जिले में वर्षों से मलाईदार पदों पर जमे अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग को लेकर खंडवा के समाज सेवी बबलू राजानी ने अनोखा प्रदर्शन किया। वे आज फिर फटे हुए कपड़े पहनकर खंडवा की सड़कों पर निकले। मुंह में लालीपॉप चूसते, टूटा चश्मा और फटी हुई बनियान धारण करने निकले बबलू राजानी को देखने लोग जमा हो गए। बबलू राजानी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि खंडवा जिले की व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इसके पूर्व खंडवा के तत्कालीन विधायक का टिकट नहीं दिए जाने को मांग को लेकर भी बबलू राजानी ने इसी तरह प्रदर्शन किया था। बगैर अधिकारी और नेता की साठगांठ के कोई कार्य नहीं होता। कई अधिकारी लंबे समय से पदस्थ थे, जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ, जुक्तावत जी पहले हॉस्पिटल था, पूरा जिला दे दिया, वहाँ की बदहाली आपको पता है। अभी महापौर विधायक से बदतमीजी हुई है। पोस्टमार्टम में जाओ तो 11-11, 12-12 बजे तक आपको बेहाली मिलेगी। अगर आपने शनिवार एडमिट किया और अगर सोमवार छुट्टी हुई तो 3 दिन समझ लो आपके मरीज की ऐसी की तैसी होगी। क्योंकि मेरे खुद के पिताजी को मैंने 25 नवंबर को एडमिट किया था शनिवार, 26 रविवार था और सोमवार 27 तारीख की थी गुरु नानक जयंती। तो सारे डॉक्टर लोग गुरुद्वारों में लंगर बांटने गए थे, जिस कारण मेरे पिताजी की एक उंगली जाने वाली थी, 3 उंगली चली। हमने उस चीज़ को छोड़ दिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आओ खाद्य विभाग पर। खाद्य विभाग में मिश्रा जी और गोले जी, मिश्रा जी को 3 साल लगभग हो गए और 12-13 साल लगभग गोले जी को हो गए। एक टेबल से दूसरी टेबल कर दिया जाता है उनको, परंतु खाद्य विभाग का एक नियम बन गया 12 महीने हर दुकानदार से महीना लेंगे, साल में एक केस बनाएंगे और त्योहारों पे उनको प्रताड़ित करेंगे। ईमानदार ये हमको 4 सैंपल बोले तो हम 2 सैंपल ले रहे, फिर जाके डराएंगे कि भैया साहब सैंपल फेल हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये अधिकारियों की साठगांठ होगी कहीं ना कहीं। अब शहर विकास को लेकर HR पांडे जी एक ही पद पर कई सालों से बैठे, कारण क्या? क्या नेताओं की साठगांठ है? तो हम तो यहाँ से सांसद जी को निवेदन करेंगे एवं आग्रह करेंगे कि अगर ये लोगों की 1 महीने में तबादले जिले के बाहर नहीं होते तो हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं नेताओं की साठगांठ है, अन्यथा हम आपके खिलाफ भी मोर्चा खोल लेंगे। अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी मैं जा रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास, बाबा साहब का आशीर्वाद लेने, जिनने संविधान बनाया। तो उनसे पूछूंगा कि बाबा साहब देखो आपके सामने ये सब हो रहा है, लालीपॉप चुस्त हो जा रहा है, इसका क्या सेंस? तो नेता देते ही ना, क्या सेंस है इसका? लालीपॉप नेता लोग देते ना कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, वैसा करा दूंगा। तो वो देते हम चुस्ते हैं कि आम जनता मूर्ख है, इनको सबको किसी से कोई मतलब थोड़े ना। अभी कोई नेता आएगा गले में हाथ डालेगा, 100 का नोट रखेगा, ले क्वार्टर पी, हम मुर्ते चेले हो जाएंगे। शहर में विकास की बात कही जाए तो विकास तो नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा, उस पर क्या कर रहे हैं? महापौर जी ने 1 महीने का टाइम लिया है, कल MIC की बैठक थी, कल उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई है और उनके खिलाफ तो मैं चल ही रहा हूँ, मैं सुबह शाम कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आम जनता से निवेदन करूँगा जागरूक नहीं हो रही, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे हमारी मूलभूत सुविधाएँ दूसरे खा जा रहे हैं, नेताओं के घर भरे जा रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, न कुछ हो रहा है। और जुक्तावत जी का तो यहाँ तक है कि भैया मेरे रिश्तेदार साले सूरे जो भी है, कोई विधायक है कोई सांसद है, मेरे को कोई हिला नहीं सकता। तो मैं सांसद जी को बोलूँगा क्या आप में इतना पावर नहीं है क्या? ट्रैफिक की बदहाली चल रही है क्या? आपसे अधिकारी दबते नहीं है क्या? तो फिर आपको ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी विधायक जी से मिलेंगे, विधायक जी नवनिर्वाचित हैं, तो महापौर जी से कल मिलकर हमसे आग्रह करके आए, अन्यथा खोलेंगे मोर्चा। मोदी जी एक ईमानदार व्यक्ति है जिनके चेहरे पर पार्षद चुनाव जीत रहे, तो अब होड़ लगी रहेगी कि टिकट लोकल फॉर वोकल चालू हो जाएगा, इधर का चालू हो जाएगा, उधर का चालू हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति कोई भी बता दो जिसने शहर विकास के लिए या शहर हित के लिए कोई कार्य किया। मैं आपसे पूछूं कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए पूरे खंडवा शहर में किसी ने मुद्दा उठाया, कोई लड़ा, कोई धरना प्रदर्शन दिया या किसी ने विधायक से महापौर से सांसद से लड़ा? नहीं, सब आभा मंडली है। मैं विधायक का चेला, मैं सांसद का चेला, मैं महापौर का चेला, जिन लोगों को घेर लेते हैं। और अभी आपने देखा 18 साल के जो पूर्व विधायक थे हमारे, ईमानदार छवि के चक्कर में शहर की सत्यानाश कर गए। आपका परिचय? मेरा नाम है, ऐसा तो मेरे को सब बबलू राजानी के नाम से जानते हैं, तो मेरा असली नाम प्रदीप राजानी है और
ये सब कार्य मुझे दादाजी भगवान भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वही करा रहे हैं। और मुझको कुछ आइडिया ही नहीं रहता कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, लेकिन जो बोलता हूँ सत्य निकल जाता है। फिर भी मैं यहाँ जनता जनार्दन से आग्रह करूँगा कि आप लोग अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। खरगोन वाले मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम गटर में रहने लायक हो, बोले आओ कभी खरगोन में, हम 40 साल पीछे चल रहे हैं खरगोन से। बुरहानपुर देखिए, हर बार की यहाँ जनता जनार्दन जागृत है कि भाई विधायक जैसे रंग चला कि उसका पत्ता कट, लेकिन हम निसड़ लें, हमको तो फलाना नहीं, हमें किसी पार्टी का नहीं करो, पार्टी के उस नेताओं को बोलो जो मोदी जी जैसे ईमानदार आदमी की छवि खराब कर रहे हैं, उनके सपनों को खराब कर रहे हैं। हर बार जाके पिताजी चंद्र मोदी जी आओ यहाँ पे रैली करो, बगैर अपने सिम्बॉल पे बगैर अपने नाम से जीतते बताओ अगर आप लायल हो।